हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान इंद्र सिंह सिप्पू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों ज़्यादातर लोग जो नए लोग होते हैं वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। जो नए नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि 75% से ज़्यादा बिजनेस लोग नहीं कर पाते हैं, बिजनेस बंद हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पहली रीज़न जो आप बहुत लोगों की वीडियो देखते हैं, जो आपको यूट्यूब पे बिजनेस आइडियाज़ बहुत सारे यूट्यूबर की आप देखते हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जो लगातार हमारी वीडियो को, हर एक वीडियो को देखते हैं। मुझे पता है आप और किन किन चैनल की वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बट देखो, बिजनेस को देखना और बिजनेस को करने में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। और बिजनेस को बता देना, देखिए, जानकारी कोई भी अच्छी है, जानकारी लीजिए, कोई भी जानकारी, किसी भी बिजनेस की जानकारी कभी भी खराब नहीं होती। बट उसी जानकारी के हिसाब से आप बिजनेस शुरू कर दें, ये बहुत कि आपको नहीं करना चाहिए। इसी वजह से मैं बार बार बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो रेगुलर व्यूअर, जैसे कि मैंने बताया कि आप किन का चैनल देखते हैं, कौन कौन सी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है दोस्तों। खैर, उस पर हम बात नहीं करते, वो चीज़ आप देखिए और उससे नॉलेज लीजिए। किसी की भी वीडियो ख़राब नहीं होती, ना यहाँ पर किसी की हम बुराई करने बैठे हैं। बिजनेस में तीन तरह के लोग सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, जब हम इंटर के बाद पढ़ाई, इंटर या ग्रेजुएशन के बाद जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बल्कि नहीं, मैं कहूँगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चांस होता है वो जॉब की होती है। 95% लोग ऐसे होते हैं जो पहले से प्लानिंग होते हैं कि हमें प्राइवेट या सरकारी जॉब करना है, और 5% लोग ऐसे आते हैं जिनका माइंड सेट होता है कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है। अब सोचो दोस्तों, कितना अंतर है। आप बिजनेस करने के लिए नहीं आते, ज़्यादातर लोग बिजनेस माइंडेड नहीं होते, बिजनेस के लिए नहीं सोचते, पहले वो प्राथमिकता रखते हैं जॉब के लिए, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब। 5% लोग ऐसे होते हैं जो माइंडसेट के साथ आते हैं, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे जो भी बिजनेस हो, ठीक है। तो अब ये अंतर होता है, इसमें तीन लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। पहली चीज़ तो आपके पास कोई जानकारी नहीं है बिजनेस की, ना ही आपने कोई जानकारी सीखा है, बस शुरू कर दिया, फेल होने की पूरे चांसेस हैं। दूसरा, जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम बताते हैं, यार आज हम सोच रहे हैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करें, ये वाला, तो कोई दोस्त आपको राय देता है, और वही दोस्त राय देता है जो खुद आपके साथ घूम रहा है अभी, वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों के राय में आप फंस के बिजनेस में डुबा देते हैं पैसा। और तीसरा जो होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में, अगर आपको मतलब किसी ने बता दिया, ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा, आपने पैसा मिल गया आपको घर वालों से, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फेल हो गए, ठीक है। अब कहीं कहीं ये तीनों चीज़ें आता है, क्योंकि देखिए, दोस्तों के साथ मिलना जुलना और ओवर कॉन्फिडेंट और साथ ही साथ कोई तजुर्बा नहीं, तो तीनों भी हो सकता है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब आप बिजनेस, जब हम मिडिल क्लास से होते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। और पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ आप जान जाइए, बिजनेस और नौकरी में, नौकरी अगर आपको आसान काम करना है, बिना मेहनत का काम करना है, तो आप नौकरी करिएगा, ठीक है, क्योंकि वही एक ऐसा काम है जहाँ पे कम मेहनत में ठीक ठाक आपको मिल जाता है। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होगा भाई साहब, आपको बिजनेस में बहुत मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, सबसे ज़्यादा समय देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वहाँ पर आपको छुट्टी मिल जाएगी, यहाँ पर आपकी कोई छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पर आपको 8 घंटा 6 घंटा काम करना है, वीकली छुट्टी मिलती है, त्यौहारों पे छुट्टी मिलती है, बट बिजनेस में ना ही कोई त्यौहार, ना कोई वीकली छुट्टी, हर दिन काम रहता है, सबसे ज़्यादा समय दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले माइंडसेट करिएगा कि हाँ, ये चीज़ अगर बिजनेस में आना है तो ये चीज़ आपको करना होगा, ठीक है। एक तरीके से देख सकते हैं, कुछ बिजनेस ऐसा है जैसे कि किराना स्टोर हो, इस तरीके का बिजनेस एक तरीके का जेल है। जेल का मतलब ये है कि वो जेल का ही अनुभूति है, सिर्फ आप खाना खा सकते हैं घर पे, सुबह शाम घर पे सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों चेंज करते हैं टॉपिक को, बिजनेस में आपको आने से पहले, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, आपको किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट करें, उससे पहले यार बिजनेस को सीखें। आपके पास कितना भी पैसा हो, ज़्यादा हो कम हो, उससे नहीं मतलब, जो भी बिजनेस आपको करना है, उस बिजनेस से कम 6 महीने तो उस बिजनेस का, अगर आपको कोई किसी चीज़ की दुकान खोलनी है तो उस रिलेटेड किसी की दुकान पे काम करिए। अगर आपको वो सैलरी नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट सैलरी काम करिए, क्योंकि आपको सीखना है उसके यहाँ, ज़िंदगी भर नौकरी तो करना नहीं है, ठीक है। तो पहले सीखिए, 6 महीने सीखिए उस बिजनेस से रिलेटेड,
इसमें आपके दो बेनिफिट होंगे, पहली चीज़ तो नॉलेज होगा, दूसरी चीज़ कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों जब हम 6 महीने उस धंधे में रहते हैं तो हमें लगता है यार ये तो धंधा बहुत बेकार धंधा है, मेरे बस की बात नहीं है। वहीं से आपको ये पता चल गया 6 महीने में कि ये बिज़नेस हमारे लायक नहीं है। अब वहीं अगर आपने बिज़नेस को पूंजी लगा दिया, बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया और फिर अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पैसे डूबेंगे और आप उसमें उलझ जाएंगे और निकल भी नहीं पाएंगे, उसी में पड़े रहेंगे, ठीक है, और ज़बरदस्ती का कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो सीखिए बिज़नेस को, पहले सीखिए कोई भी बिज़नेस। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की एजेंसी लेनी है तो पहले एजेंसी वाला काम करो, दुकान खोलना है तो दुकान पे काम करो, कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग लगाना है तो उस रिलेटेड पहले प्रोडक्ट को ले के मार्केट में बेचो, आपको समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद कितनी लोचा होता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है यार, मशीन लाए मैन्युफैक्चरिंग कर दी माल तैयार, लेकिन माल जब बिकेगा नहीं, वही समस्या आती है मार्केटिंग में, जब हम दुकानों पे जाते हैं माल रिजेक्ट हो जाता है हमारा, नहीं बिकता है, ठीक है, तमाम कंपटीशन है मार्केट में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप ही अकेले नहीं हैं किसी प्रोडक्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसी वजह से फेल होते हैं, और क्योंकि बिज़नेस की कोई प्लानिंग तो होता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5% लोग प्लानिंग के साथ आते हैं, और ये जो आंकड़ा है यार कोई बहुत सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिया है, तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, अब ऐसा नहीं है कि 95 और 5 का आंकड़ा कोई सरकारी आंकड़ा है, ठीक है, ये हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो फील किया है। क्योंकि देखिए यार, हम गांव देहात से हैं, उत्तर प्रदेश से, एक छोटे से गाँव से, तो बहुत सारी चीज़ें हम अब बहुत मतलब नज़दीक से चीज़ों को जानते हैं और देखते हैं, और यही सारी चीज़ें होती हैं। यस या नो यार बताइएगा, और किस बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट है, किस बिज़नेस से आप वीडियो चाहते हैं, किस वीडियोस में आप और बिज़नेस के बारे में और आप जानना चाहते हैं, ये चीज़ यार कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो ये एक मतलब जानकारी वाली वीडियो थी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बिज़नेस रिलेटेड वीडियो देखते हैं, हमारी हो या किसी भी और भी यूट्यूबर की हो, तो वीडियो देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जानकारी मिलेगी। लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें मैंने आपको मूल मंत्र बताया उस पर यार खड़े उतरिए, इसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपके जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, क्योंकि ये बहुत आज इतनी मतलब महंगाई के ज़माने में, इतने यार कंपटीशन के ज़माने में आपके पैसे डूब न जाएं, इस वजह से मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने डुबाया है, इस वजह से आपको सही जानकारी मैं बता रहा हूँ। वीडियो यार अच्छी लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रेड वाली बटन दबा के, और कोई भी आपका सवाल हो या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो यार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।